Hello everyone, this is Nahid and welcome back to my channel. Today I am going to share my views and review about Dove face wash, which is available in 3 different variants. But I am going to review this one, or I am going to share my views about this one. This one is inner glow exfoliating face wash, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये कब आ गया मार्केट में. And I don't know why I was not aware of this product. That's why मेरे लिए तो फिलहाल नया है और यूज़ करने के बाद से मैं दे रही हूँ अपना ओपिनियन. तो पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की. तो ये है स्लीक वाइट ट्यूब 100 ग्राम्स का, जो कि 250 रुपये में आता है. और सामने से देखें तो ये इसमें यहाँ पे ऑरेंज कलर में आपको सारी डिटेल लिखी हुई मिलेगी. यहाँ पे डब का जो मार्क है वो है. तो इसके ऊपर जो मेंशन है वो है फ्रंट साइड में ये डब का लोगो, और साथ ही साथ इस पर इनर ग्लो जेंटल एक्सफोलिएटिंग फेशियल क्लींजर, और यही न्यूट्रियम मॉइस्चर ब्यूटी सीरम स्मूथ एंड ग्लोइंग स्किन. ऑफकोर्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है. और बैक साइड में अगर देखें तो बैक साइड में इसकी सारी डिटेल है. यहाँ पे है इसको कैसे यूज़ करना है, हाउ टू यूज़, तो इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन है कि आप इसको डायरेक्टली लेके फेस पे ना लगाएं, बल्कि इसको थोड़ा सा लें और उसके बाद से उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको हल्का सा मिक्स करें, तब जेंटली अपने फेस को उससे स्क्रब करें. फॉर बेस्ट रिजल्ट वैसे ही लगाना चाहिए जैसा कि मेंशन होता है, यानी हाउ टू यूज़ में जैसा वो बताते हैं वैसे ही लगा लेना ज़्यादा बेटर होता है. बात करें कि इसमें क्या चीज़ें कंटेन करती हैं, तो न्यूट्रियम मॉइस्चर मॉइस्चराइजिंग ब्यूटी सीरम है इसके अंदर. इट कंटेन्स एक्सफोलिएटिंग स्क्रब दैट जेंटली पॉलिशेस एंड हेल्प्स रिन्यू द स्किन सरफेस ऑन एवरीडे बेसिस. माइल्ड फ्लोरल फ्रेग्रेंस है. इसकी एक अच्छी खासियत ये है कि ये ज़रा समय आपके पूरे फेस पे अप्लाई हो जाता है बहुत आराम से. तो आपको ज़रा सा इसको लेना है अपने पाम पे और उसमें 2-4 बूंद पानी की डाल के उसको मिक्स कर लेना है, फिर जेंटली अप्लाई करके जैसे भी आप फेस धुलते हैं वैसे फेस धुल लेना है. इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, तो इनका मानना है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर आप ऐसे फेस पे लगा लेंगे तो वो स्किन को हार्म कर सकते हैं, और मैंने इस चीज़ को ट्राई नहीं किया बिकॉज आई एम नॉट दैट मच इंटरेस्टेड टू हार्म माई ओन स्किन. तो मैंने भी वैसे ही यूज़ किया है. एक्सफोलिएशन हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है. जब हम स्किन को क्लीन करते हैं, क्लींजर यूज़ करते हैं, तो वो जस्ट ऐसे ही आपको फील देगा जैसे कि आप पार्लर में या फेशियल के दौरान कराते हैं. छोटे छोटे पार्टिकल से क्या होता है कि जो डेड स्किन डेड सेल्स होते हैं वो इजीली एवरीडे बेसिस पे निकल जाते हैं. तो काफ़ी अच्छा है. डव के फेस वॉश बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे डव के साबुन आते हैं, सोप आते हैं. कंसिस्टेंसी की बात करें तो थोड़ा रनी कंसिस्टेंसी है, दैट्स वाई आपको बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है. थोड़े से अमाउंट में बहुत आराम से आपके स्किन पे ये लग जाता है. क्रीमी रनी कंसिस्टेंसी है इसकी. देखिए ये ऐसे ही बह रहा है. जो भी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी. इनर ग्लो फेशियल क्लींजर फॉर नॉर्मल टू डल स्किन, ये एक साथ सारे सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो दैट्स वाई आप अपनी स्किन को इससे पॉलिश कर सकते हैं ऑन एवरीडे बेसिस इसको यूज़ करके इन दिस विंटर, जो कि मैं करने वाली हूँ और मैंने स्टार्ट भी कर दिया है. तो ये थी हमारी आज की वीडियो जहाँ पे मैंने शेयर किया अपने व्यूज अबाउट दिस फेस वॉश. मैंने इसको यूज़ किया है ऑलमोस्ट 10 दिन. तो यस, यू कैन गेट योर्स. आप भी अपनी स्किन को पॉलिश कीजिए ऑन एवरीडे बेसिस इन दिस विंटर विद डव फेस वॉश.